क्या रणबीर बन पाएंगे आमिर की परफेक्ट रिप्लेसमेंट? हिरानी और आमिर की जोड़ी क्या रंग लाएगी इस बार? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। 2014 में आई एक ऐसी मूवी जिसने अच्छे अच्छों को हिला कर रख दिया था। हिंट के लिए अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मूवी किसी और की नहीं बल्कि आमिर खान की थी तो शायद आपके लिए याद कर पाना बेहद आसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। मूवी का नाम है पीके। भाई, आमिर खान को यूं ही नहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो अपनी हर फिल्म के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि सच में उनसे बेहतर वो पर्टिकुलर रोल कोई और कर ही नहीं सकता। अरे आप सोच कर देखिए जरा कि अगर पीके में उनकी जगह कोई और होता तो नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ। और मैं ऐसा इसलिए नहीं सोच सकती क्योंकि आमिर की एक्टिंग उस मूवी में किसी मैजिक से कम नहीं थी। और मैं ही क्यों, उनका कोई भी डायहार्ड फैन कभी भी उनके रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, अगर आप खड़े हैं ना तो बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप सब बैठ गए ना तो चलिए मैं बताती हूँ। जी हाँ, बहुत जल्द पीके का सीक्वल यानी पीके अगेन बड़े पर्दे पर आने वाली है। और अगर यहाँ मैं आपको पिछली फिल्म की याद दिलाऊं तो मूवी के लास्ट सीन में आमिर के साथ हमें रणबीर कपूर देखने को मिले थे, जिससे हम इतना तो समझ गए थे कि अगली मूवी यानी पार्ट 2 में हमें मेन कैरेक्टर रणबीर कपूर देखने वाले हैं। फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। आखिर वो ये देखना चाहता है कि रणबीर वो सेम चार्म ला पाएंगे इस मूवी में जो आमिर खान के होने से था। राजकुमार हिरानी एक ऐसा नाम है जिसे अब लोग अदब से जानते हैं क्योंकि उनकी बनाई गई मूवीज एक रियलिटी चेक देती हैं। उनकी मूवीज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। आप थ्री इडियट्स के रैंचो को देख लीजिए या पीके के सुशांत को। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें किसी और किसी पहचान की जरूरत नहीं है और इन कैरेक्टर्स को जन्म देने वाले हैं हमारे राजकुमार हिरानी। तो अब जब से ये पता चला है कि पीके का सीक्वल यानी पीके अगेन रिलीज होने वाली है तब से फैन तो उन सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में जानने में लग गए हैं कि आखिर इस बार क्या नया रियलिटी चेक देंगे आमिर और हिरानी। पीके अगेन से फैंस को जितनी उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा उम्मीद उन्हें आमिर खान से है। वो चाहे जो हो जाए उन्हें निराश नहीं कर सकते। पीके के एक लास्ट सीन में रणबीर का एक सीन भी रखा गया था जो फैंस के लिए अलग ही सरप्राइज था, लेकिन फैंस को वहां से ये हिंट मिल गया था कि अब जब भी पीके का सीक्वल आएगा रणबीर उसमें लीड रोल में नजर आएंगे। अब देखना यह है कि हिरानी क्या सिर्फ रणबीर के साथ मूवी बनाएंगे या आमिर भी उनकी जोड़ी को कंप्लीट करने के लिए पीके में नजर आएंगे। जब बॉलीवुड कुछ ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाता है तो एक उम्मीद सी जगती है कि अब जब इतने सारे लोग ये फिल्म देखेंगे तो उतने सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस उठेंगे और वो इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए निकलेंगे। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन हम सच में अपनी सोसाइटी में किसी तरह का बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप सब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।